नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज होने के कारण अब इस जिले को रेड सूची में शामिल कर दिया गया है, जिसको लेकर के शासन प्रशासन हाई अलर्ट हो गया है। वहीं पठारी के बैंकों के सामने लगने वाली भीड़ अब नजर नहीं आ रही है। कियोस्क बैंक उपभोक्ताओं को घर घर राशि वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा लोगों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए बैंकों में लंबी लंबी कतारों के साथ भीड़ जुट रही थी, जिससे निजात पाने के लिए प्रशासन ने कियोस्क बैंक संचालकों को गांव गांव घर घर जाकर के राशि वितरण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। थाना प्रभारी महेंद्र साक ने इस बारे में बताया कि सरकारी सहायता राशि मिलने की खबर के साथ ही लोगों की भीड़ बैंकों में जुटना शुरू हो गई थी, जो प्रशासन के लिए मुसीबत साबित हो रही थी, जिससे लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का उल्लंघन भी हो रहा था, जिससे निजात पाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए और बैंकों के सामने गोल घेरा बनाकर उपभोक्ताओं की कतारें लगाई गईं। कहीं कहीं बैंकों ने टेंट कुर्सी की व्यवस्था कर लोगों में सामूहिक दूरी को बरकरार रखने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद बैंकों से भीड़ कम नहीं हो रही थी, जिसके चलते कियोस्क बैंक संचालकों को गाँव गाँव घर घर जाकर राशि वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। और लोगों का मानना है कि अब बैंकों के सामने भीड़ नजर नहीं आएगी। पठारी से आइए देखते हैं आशीष सहेले की ये रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। देखिए, यहाँ पर जो राहत राशि का पैसा शासन द्वारा बैंकों के जरिए जो ग्रामीण क्षेत्रों को मुहैया कराया जा रहा है, उसमें हमने प्रॉपर तरीके से इसमें बैंकों के सामने लाइन व्यवस्था की गई है, जिसमें गोल घेरे बनवाए गए हैं प्रॉपर डिस्टेंस के कारण। डिस्टेंस की दूरी को रखते हुए वहाँ पर गोलों के जरिए लोगों की लाइन लगवाई है। इसके अलावा जो क्वेस्ट के जरिए जो पैसे का वितरण किया जा रहा था, उसमें शासन के दिशा निर्देश के अनुसार हमने उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचा कर वहीं पर उनके घर के घर पैसे का वितरण करवाया जा रहा है। तो वो जो लोग हमारे यहाँ पठारी में आके पैसे ले रहे थे, उन्हें हम कियोस्क के माध्यम से उनके आपके घरों में उपलब्ध करा रहे हैं। इस कारण हमने इस पे प्रॉपर सुविधा उपलब्ध कराई है। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।